हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा। और भाई साहब, हम आ चुके हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और भाई साहब, मुंह से तो जो है बलून हर कोई फुलाता है, क्या हम साइंस की मदद से बलून्स को फुला सकते हैं? सो ऑब्वियसली हाँ गाइस, इस वीडियो में हम फुलाएंगे बलून्स को साइंस की मदद से। भाई साहब, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें बेसिकली जरूरत पड़ेगी सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा एंड वाटर की। सो बेसिकली मैकेनिज्म क्या रहेगा गाइस? मैकेनिज्म रहेगा कि सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा में वाटर मिलाने पर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वही गैस को हमें फिर कंट्रोल में करना है और वही बलून्स को फुलाएंगे। सो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के बलून्स है गाइस, एक है छोटे वाले और एक है इसमें एक बड़े वाले इसमें बलून्स है गाइस। तो देखते हैं कि दोनों में से कौन कितना हद तक फूलता है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकाल लेता हूँ बलून्स को गाइस। मैंने निकाल लिए हैं दो बलून, एक छोटे वाला गाइस, एक बड़े वाला। ये कुछ एक्स्ट्रा सामान है गाइस, ये मैंने वैसे ही रख लिया है साथ में। तो प्रोसीजर क्या रहेगा गाइस? बेसिकली हमें फनल की मदद से सिट्रिक एसिड बेकिंग सोडा को मिक्स करके इनके अंदर डालना है गाइस। मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कप गाइस, और मैं फिलहाल इसमें से निकाल लेता हूँ एक स्पून सिट्रिक एसिड। ये गाइस सिट्रिक एसिड एक स्पून मैंने इसमें डाल लिया है। ये गाइस बेकिंग सोडा अनदर स्पून मैंने इसमें से निकाल करके इसमें डाल दिया गाइस। मैंने इसे डाल मिक्स करते हैं मिक्स गाइस, थोड़ा इसी से कर देते हैं मिक्स गाइस। तो मैंने भी तो कर दिया मिक्स गाइस फिलहाल। अब एक एक स्पून जो है हम दोनों बलून्स के अंदर डालने हैं गाइस। तो ये फनल मैंने इसमें लगा दी गाइस, इसे मैं डालता हूँ इसमें। थोड़े इसमें ज्यादा डालते हैं गाइस क्योंकि ये बड़ा है और छोटे बलून में थोड़ा कम भी चल जाएगा। तो मैंने फिलहाल इसमें डाल लिया है गाइस बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड का मिक्सचर। अभी डालते हैं छोटे वाले बलून में भी गाइस। यहाँ पर गाइस मैंने इसमें भी डाल लिया है। और भाई साहब, अब प्रोसीजर क्या रहेगा? मैं इसमें डालूंगा वाटर गाइस, थोड़ा सा वाटर इसमें डालते हैं। और अब मैं इसको लगा दूंगा बलून को इसके आउट पर। फिलहाल गाइस रेडी है, अभी बलून को करते हैं उल्टा गाइस, और इसमें से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और भाई बलून जो है वो सेल होने लगा नहीं फूलने लगा है भाई साहब। कितना ज़्यादा में फूल सकता है भाई साहब? रिएक्शन हो रही है गाइस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पे रिलीज हो रही है, इसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और एक और कमाल की चीज़ ये कर सकता है गाइस, मतलब अगर कहीं पे भी कैंडल या फिर कहीं पे भी फायर जो लगी हुई हो तो वहाँ पे उसको एक्सटिंग्विश मींस उसको बुझाने के लिए अगर हमें यूज़ करना हो तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर वही गैस है गाइस कि ये फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो इतना ही फूला गाइस, बढ़ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा गाइस। लाते हैं इसको गाइस थोड़ा। सो आई थिंक गाइस ये इतना ही फूल सकता है भाई। तो गाइस जो बड़े वाला बलून था भाई वो तो काफ़ी अच्छा फैला था, और अब की बार हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा पानी जो है वो कम रखेंगे गाइस। देखते हैं पानी कम करने पे इसकी क्या रिएक्शन होती है। और बलून भी अब की बार हमारे पास जो है वो छोटे वाला है गाइस। तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ इसके माउथ को। भाई आ गया है तो मुझे तो लग रहा था आएंगे। अरे बापरे, उड़ ना जाए इसके पास से भाई, निकल रहा है, उड़ रहा है। थोड़ी मतलब टाइट भी है गाइस, इतना स्ट्रेच भी नहीं हुआ अभी, मतलब माउथ से अगर इसको फुलाएं तब ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, लेकिन एक्सपेंड ही नहीं हुआ, न्यू है बिल्कुल गाइस। तो मुझे नहीं लगता है
अरे भाई तो निकल जाए यार। गाइस अभी जो है रिएक्शन आप सभी देख सकते हैं हो रही है, और बलून भी जो है काफी फूल चुका है, और इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। निकाल लेना चाहिए मुझे अभी बलून को। भाई साहब बच गए। ये है गाइस छोटा बलून जो अब की बार फूला है, और ये है गाइस हमारे पास, ये है गाइस हमारे पास बड़े वाला बलून जो पहले फूला था। इसका मतलब उसमें थोड़ी जो गैस थी वो ज़्यादा बनी थी गाइस, और एक और भी इसके साथ बेनिफिट था, ये पहले हमने माउथ से फुला रखा था गाइस, तो इसमें स्ट्रेचिंग थोड़ी अच्छी हुई थी। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।